सो भाई लोग, आज हम लोग करने वाले हैं 1 GB रैम फ़ोन में भाई लाइव हैंड कैम गेम प्ले, ठीक है। और उसके साथ साथ आप सभी को कॉन्फी फाइल देने वाले हैं। जो कॉन्फी फाइल मैंने अप्लाई किया हुआ है उसकी लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड करके सेट कर सकते हो। प्लस आप सभी लोग सबसे पहले हैंड कैम देख लो भाई कैसा चल रहा है। आप लोग प्रूफ मांग रहे थे भाई कि कैसा चलता है 1 GB रैम फ़ोन में। भाई मैं क्लैश स्क्वाड मैच लगाता हूँ क्योंकि गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, ठीक है। और देख रहे हो यहाँ पर हमारा मैच जो है ओपन होने लगा है। और भाई यहाँ पर हम लोडिंग लेने देते हैं, घर वर को थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और भाई काफ़ी स्मूथ गेम प्ले आप सभी को 1 GB रैम फ़ोन में भी देखने को मिल जाता है, अगर इस कॉन्फी फाइल को आप लोग यूज़ करते हो तो। देख रहे हो यार काफ़ी स्मूथली चल रहा है। हाँ शुरुआत में थोड़ा सा अटक रहा था लेकिन गाइस आखिरी में जो यार काफ़ी स्मूथ चलने लगा। बस यार फर्स्ट मैच में मेरे को थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा यार, ज़्यादा नहीं, आप लोग बिल्कुल मैनेज कर सकते हो भाई, इतना तो करता ही है हर फ़ोन में। क्योंकि गाइस जो है हमारा कॉन्फी फाइल भाई कितना कर सकता है, अपने फ़ोन को आप लोग स्मूथ गेम प्ले करवा सकता है, पर भाई ऐसा नहीं कर सकता कि आप 8 GB को 6 GB को फेल कर दो, ऐसा नहीं होता है ना। तो भाई थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन आप लोग देखो यार जितना आप लोग कहते हो कि भाई बहुत ज़्यादा लैग करता है कॉन्फी फाइल यूज़ करने के बाद, तो भाई देख रहे हो यार इतना बंदे को मैं नचा रहा था, घुमा रहा था, फिरा रहा था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। और भाई मैं जैसा कि हमेशा कहता हूँ भाई, मेरे को उतना लैगिंग नहीं देखने को मिलता है अगर मैं कॉन्फी फाइल यूज़ करता हूँ तो। लेकिन गाइस मैं बहुत सारे एप्लीकेशंस को वैसे भी रखा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी कट एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करने वाला हूँ। हाँ वो गन परचेस करूँगा तो भाई उसको थोड़ा सा कट बहुत कर दूंगा, ठीक है। और भाई जो कॉन्फी फाइल है इसकी लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सभी को कॉन्फी फाइल सेलेक्ट नहीं करना आता तो मैं लास्ट में आप सबको बता दूंगा। और भाई यहाँ पे मेरी बैटरी भी लाल है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और भाई यहाँ पर M4A1 के साथ मैं गेम प्ले कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा वीडियो मैं फास्ट किया हूँ भाई, वीडियो लंबी ना हो। सो भाई वहाँ पर सामने एक बंदा था और उस बंदे को हमने एक हेडशॉट भी दिया था, ठीक है। तो मतलब पहले मैं वीडियो बना लिया हूँ, देखो यहाँ पर 137 का हेडशॉट पड़ा बंदे को भाई। मतलब इतना फास्टली मैं सब कुछ कर रहा था भाई, फिर भी गाइस बिल्कुल भी लैगिंग प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली, ठीक है। तो भाई देख रहे हो यार मतलब इतना भी लैग नहीं करता है, थोड़ा बहुत करता है, ठीक है। आप लोग गेम प्ले को एंजॉय कीजिए। और सामने इधर से मैं जाता हूँ तो एक और बंदा मेरे के सामने आ जाता है, ठीक है भाई। लेटता है वैसे ही, इसको पड़ता है हेडशॉट, और हेडशॉट के बाद हम लोग पूरा अपना किल उठा लेते हैं, ठीक है। और किल उठाने के बाद गाइस हम लोग जाते हैं नेक्स्ट बंदे को ढूंढने, एक ही बंदा बचा है तो उसको हम लोग मारेंगे। और भाई देखो यार कितना स्मूथली चल रहा है यार, रुक नहीं रहा है यार। देख रहे हो यार आखिरी में हम प्रूफ भी दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यार कितना स्मूथली चल रहा है। और भाई गाइस देख रहे हो यार इतना स्मूथली चल रहा है यार। और यहाँ पर हमारे साथ सामने सब बंदे भी हैं, मतलब आप लोग को बस इतना ही प्रूफ कराना है कि भाई देख रहे हो यार स्मूथ चल रहा है हमारा गेम, लैग नहीं कर रहा है उतना जितना आप लोग कहते हो। भाई मैं जानता हूँ लैग तो करता है भाई, लेकिन आप कॉन्फी फाइल यूज़ करोगे तो मतलब आपसे का लैगिंग प्रॉब्लम गाइस काफ़ी हद तक फिक्स हो जाएगा। और भाई जो मैंने पिछली कॉन्फी फाइल थी उसी का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो भाई उसी को मैं M4A1 से ज़्यादा बेटर खेलता हूँ तो भाई मैं M4A1 ले रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी M4A1 का मतलब कि मैं अच्छा खेल लेता हूँ, ठीक है, तो मैं M4A1 ही लूँगा। और भाई यहाँ पर हम रुके थे थोड़ी देर के, पर कोई बंदा नहीं मिला तो मैं यहाँ से फिर चला गया। और वहाँ से जाने के बाद कोई सामने बंदा निकल ही नहीं रहा था, फिर मैं उस घर के पास जाता हूँ, उधर भी वेट करता हूँ बंदे का, फिर भी कोई मुझे बंदा नहीं मिलता है। तो भाई फिर से मैं जाता हूँ बाहर, और भाई मतलब बहुत सारे बंदे ने यार झिला दिया कि भाई बाहर ही नहीं निकल रहे थे ये लोग, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैं बाहर जाता हूँ, गोली चला रहा था कि सारे बंदे बाहर निकले पर कोई बाहर नहीं निकल रहा था। हाँ हमारा एक बंदा रस करता है तो एक बंदा सामने से आता है, ठीक है। तो उसको कुछ डैमेजेस भी मैंने दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सकते हो भाई कि एक बंदा बाहर आ चुका है, इसको मैंने कुछ डैमेज भी दिया। और भाई फिर अंदर चला जाता है और हमारा जो बंदा है वो हो जाता है नॉक, ठीक है। फिर भाई अंदर से हमें एक बंदा दिख रहा था, उसको मैंने हेडशॉट मारा और यहाँ पे देख रहे हो हेडशॉट पड़ गया बंदे को और किल हमने उठा लिया। इसके बाद गाइस यहाँ से जो है हमारा हारने का जो प्रक्रिया है वो चालू हो जाता है, क्योंकि गाइस एक बंदा आता है मेरे को पीछे से मारता है, यार सामने से नहीं मारता यार, ठीक है। तो और यहाँ पर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी मच्छर काट रहे हैं, तो अगली बार से मच्छरदानी लगाकर हैंड कैम करूँगा। तो देख रहे हो आप लोग बैटरी भी काफ़ी कम है। और भाई देख रहे हो यार कितना मैं स्क्रीन को भाई हिला रहा हूँ, फिर भी देख रहे हो यार, देखो कितना भाई हिला रहा हूँ फिर भी कोई लैगिंग मतलब अटक नहीं रहा है स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हैंड कैम देख रहे हो। और भाई मैं जाता हूँ यहाँ से अंदर से, और भाई सामने देख रहे हो यार सब गुलवा लगा कि इस बार बाहर निकल गए। और भाई इस बंदे को पड़ता है हेडशॉट, बंदा होता है डाउन, फॉर किल नहीं उठा पाता हूँ, पीछे से बंदा आता है भाई, पीछे से बंदा मारता है हमें एक गोली, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा चड्डी फाड़ देता है बंदा। और भाई मैं ग्लूवाल भी लगाता हूँ पर भाई पीछे से मारता है, हिम्मत थी तो सामने से मारता पर भाई हार गया।
और ये जो बंदा है भाई बहुत ही जलाता है, तो इसकी स्पीड में भाई 1.9x कर देता हूँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा जलाता है, यहाँ पे देख सकते हो बैटरी भी बहुत ज़्यादा कम है, पर कोई दिक्कत नहीं भाई, नोकिया 2 का फ़ोन है तो 4000 mAh की बैटरी है। ये बंदा एक किल तो करता है बट बहुत ज़्यादा जलाता है। इसको मैं थोड़ा सा भाई फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी मैं यहाँ पे कट वट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई इसको थोड़ा सा मैं भी कट नहीं करूँगा भाई, देख रहे हो यार। और भाई आप सभी लोग देख सकते हो कि ये बंदा जो है मेडिकेट लगा रहा है अभी तक, और देख रहे हो काफ़ी स्मूथली भाई गेम चल रहा है हमारा। इस बंदे को भाई मेडिकेट लगा चुका है, मेडिकेट लगाने के बाद भाई ये जाता है, और भाई देख रहे हो। और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भाई ये बंदा जो है डिफीट करवाई देता है आखिरी में। और भाई यहाँ से हमारी प्रक्रिया हारने की शुरुआत हो चुकी है, और भाई इसके अंदर भी हम लोग गन ले लेते हैं सबसे पहले, और भाई इस सीन को भी हम लोग कट कर देंगे, ठीक है। तो गन ले लेते हैं सबसे पहले, भाई हम लोग उस सीन गन लेने वाले सीन को कट कर चुके हैं। इसके बाद गाइस अब हम लोग जाते हैं बंदे को करते हैं किल। भाई मतलब मैंने अच्छा किया भाई, मैंने 3-4 हेडशॉट इसके अंदर मारे भी थे भाई, देख रहे हो। फिर भी यार हारने का बस एक ही कारण है कि भाई टीममेट साथ नहीं दी, और बंदा पीछे से मार गया। और भाई वहाँ पर दो बंदे भाई काफ़ी अच्छा डैमेजेस दे गए, और यहाँ पर हमारे भाई गेम भी जो है पिंग हो जाता है, देख रहे हो यार। ऊपर ध्यान देना आप लोग, ऊपर जो है हमारा पिंग की ओर ध्यान देना भाई, वहाँ पर देखो यार पिंग हो गया, ठीक है। भाई देख रहे हो यार, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि भाई पिंग हो गया यार। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बीच से फ़ोन काट के भाई मैं जो अपना रैम दिखा देता हूँ, कितना रैम है प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। और कॉम्फी फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग कॉम्फी फाइल डाउनलोड करके सेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आपको रैम का प्रूफ दिखा देता हूँ भाई। जाते देख रहे हो यार इतना सारा एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट हो गया, डुओ रिकॉर्डर हो गया, और इसके साथ इनसेयर हो गया भाई, पिक्सल लैब हो गया, क्विक एडिट हो गया, स्मार्ट नोट हो गया, भाई बहुत सारे एप्लीकेशन मैं रखा हुआ, फिर भी इतना स्मूथ गेम प्ले कर पा रहा हूँ सिर्फ कॉन्फी फाइल की बदौलत। मेमोरी के अंदर जाता हूँ, देख रहे हो यहाँ पे 683 MB रैम जो मैंने यूज़ कर चुका है 896 MB रैम में से, जो कि 213 MB फ्री है खाली, यानी 213 MB में मैं पूरा फ्री फायर खेल गया बिल्कुल स्मूथली गाइस। सो गाइस सब कुछ मैंने प्रूफ दिखा दिया, सब कुछ प्रूफ दिखा दिया कि भाई मेरा इतना रैम था, मैंने इतने सारे एप्लीकेशंस रखे हुए थे, इसके बावजूद बहुत ही बेहतरीन चल रहा था हमारा गेम प्ले। तो भाई लोग सबसे पहले कॉन्फी फाइल डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, फटाफट बताते हैं कैसे कॉन्फी फाइल सेट करनी है। उस कॉन्फी फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप सब लोग कॉन्फी फाइल डाउनलोड कर देना। अगर आपको कॉन्फी फाइल डाउनलोड करना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक मिल जाएगी, हाउ टू डाउनलोड कॉन्फी फाइल, तो उसको देख लेना। जैसे कॉन्फी फाइल डाउनलोड करना है वैसे मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद इस कॉन्फी फाइल के अंदर कोई भी पासवर्ड नहीं है, तो सबसे पहले आप लोग अपने डाउनलोड वाले फोल्डर अंदर चले जाना, ठीक है। डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर जाना, मैं कॉन्फिग वाले फोल्डर के अंदर जाऊंगा, लेकिन मैंने कॉन्फिग फाइल को कॉन्फिग के अंदर सेट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद गाइस आपको इस पे टैप करना है एंड एक्सेप्ट हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहां से हमारी जो असॉल्ट गेमर्स लिख के आ जाएगा, लेकिन भाई लोग बहुत सारे बंदे बोल रहे थे भाई असॉल्ट गेमर लिखा नहीं आ रहा है, कुछ चाइनीज में लिखा आ रहा है। तो भाई लोग आप लोग फाइल मैनेजर से तो नहीं कर रहे हो ना, अगर आप लोग फाइल मैनेजर से कर रहे हो तो शायद से आ सकता है, या फिर आप लोग जाओ ZRCR एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से अपडेटेड वर्जन, ठीक है। तो उस पे एक बार ट्राई कर लेना, मेरे को उतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई क्यों आ रहा है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आपको असॉल्ट गेमर्स लिखा आएगा, इसके बाद डिवाइस मेमोरी के अंदर जाना है, एंड्रॉइड वाले फोल्डर के अंदर जाना है, डाटा वाले फोल्डर के अंदर जाना है, com.dtl.freefire जो दिख रहा है इस पर लॉन्ग टैप करके भाई डिलीट कर लेना है, यहाँ पे सॉरी गाइस, इस पर लॉन्ग टैप करके यहाँ से इसको डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद गाइस आप सभी लोगों को गाइस अपने डिवाइस मेमोरी वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है, कॉन्फिग वाले फोल्डर के अंदर आ जाना है। गाइस सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, इसके बाद असॉल्ट गेमर्स वाले अंदर चले जाना है। इसके बाद एक कॉन्फिग फाइल देख रही होगी वीबॉट और वी स्किन, ठीक है। तो भाई लोग वीबॉट आप लोग यूज़ कर सकते हो या वीबॉट स्किन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पे वीबॉट यूज़ करता हूँ, ठीक है। और भाई और किस वीबॉट और वी स्किन में क्या डिफरेंस होते हैं भाई आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। कि मतलब जिनका भाई 1 GB 2 GB रैम है भाई वीबॉट यूज़ करें, और जिनका भाई 3 GB 4 GB रैम है भाई वो इस वी स्किन यूज़ करें, ठीक है। इसके बाद वीबॉट के अंदर जाते हैं भाई, com.dtl.freefire दिख रहा है, इस पर कट या कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। फिर डिवाइस मोरी एंड्रॉयड डाटा ग्रीन वाला ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ से कर लेना पेस्ट। और भाई और हाँ गाइस, कॉन्फी फाइल सेट करने के बाद फ़ोन को रिस्टार्ट मारना भाई कंपलसरी, तो फ़ोन को जो है ज़रूर से रिस्टार्ट मार देना। और कॉन्फी फाइल यूज़ करते वक्त जो आप लोग गेम खेलते हो, ठीक है, उसमें आप सभी को स्पीकर है जो गाइस उसको ऑफ कर देना है, ठीक है। तो आप लोग स्पीकर ऑफ कर देना, मतलब कि सारे बंदे बोलते थे उसकी वजह से भी थोड़ा लैगिंग करता है, तो भाई इन सभी बातों का आप सभी को ध्यान रखना है। सो भाई लोग जो भी बंदे भाई चैनल पे नए हो गए जरूर से सब्सक्राइब मार लेना, क्योंकि इस आप सभी के लिए हैंड कैम बना रहा था, बहुत ही मच्छर काट रहे थे और भाई फिर भी हैंड कैम बना रहा था भाई, यार सब्सक्राइब मार देना यार, दिल से बुरा लगता है भाई, इतनी मेहनत करें हम फिर भी भाई कोई सब्सक्राइब नहीं करता यार, दिल से यार बुरा लगता है, ठीक है। तो यार सब्सक्राइब मार देना, ठीक है भाई। सब्सक्राइब मारने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और बहुत सारे बंदे हैं भाई कितना भी सब्सक्राइब के लिए बोल दो भाई करते ही नहीं है भाई, होता कुछ नहीं यार, बस
अपनी जो फैमिली यार बड़ी हो जाती है तो यार सब्सक्राइब मार दिया करो, ठीक है। तो भाई सब्सक्राइब मारने के बाद बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। सो गाइस, आप सभी को ये गेम प्ले कैसा लगा, स्मूथ चल रहा था मेरा गेम कि नहीं चल रहा था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और भाई कॉन्फी फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर जरूर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन कॉन्फी फाइल है। कॉन्फी फाइल कैसे वर्क करती है मैंने वीडियो में तो दिखाई दिया है, ठीक है। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए यार जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब मारो यार, ठीक है, सब्सक्राइब मारना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सब्सक्राइब मार देना।